दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज ही सुबह सुबह विजय चौहान का भजन आया और भजन का नाम है तेरे दरबार। तो जी, तेरे दरबार पे मैया बहुत कुछ मिलता है। तो ये बहुत मतलब पुराना गाना है तेरा दरबार, लेकिन अब विजय चौहान ने कुछ अलग ही करके दिखाया होगा इसके अंदर। नाम बेशक हो सकता है कि सेम हो, लेकिन गाना अलग हो। तो जी, पहले तो गाना सुनते हैं, एंजॉय करेंगे, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को पता होगा आज है अष्टमी, तो जी आज सबके घर में कढ़ाई होगी होगी। आज है हमारे यहाँ पे तो आज व्रत खत्म हो गए हैं, आज लास्ट व्रत था, तो जी सबके व्रत खुल गए होंगे। लेकिन नवरात्रों की वाइब्स अभी भी हैं, 14 तक होगा। तो जितने अभी भजन आएंगे मैं सबका रिएक्शन लेके आऊँगी। सब लोग उदास मत होना कि अब रिएक्शन नहीं आएंगे, और मैं भी उदास नहीं होना चाहती कि अब और भजन नहीं आएंगे। मेरे को भी ऐसे उम्मीद है कि पवन सिंह, खेसारलाल यादव, विजय चौहान, नीलकमल, अंकुश राजा, सब के सब ना और भी भजन लेके आएंगे। तो जब जब वो लेके आएंगे तब तक मैं रिएक्शन लेके आऊँगी। तो जल्दी जल्दी भजन सुनते हैं, एन्जॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। 1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। ऊंची है शान ऊंचे भवन के रानी की, जहाँ शहंशाहों का भी सर झुकता है। फूल से भी कोमल दिल है मेरी मैया का, आह निकले जो बच्चे का तो माँ का दिल भी दुखता है। दरबार के आगे मैया कोई दूजा नहीं है ठिकाना, तेरे दरबार के आगे मैया कोई दूजा नहीं है ठिकाना, तेरे दरबार के आगे मैया कोई दूजा नहीं है ठिकाना, तेरे दरबार के आगे मैया, तेरे दरबार के आगे मैया। सारी दुनिया की दौलत तू है पीती, एक तेरे प्यार के आगे मैया कोई दूजा नहीं है ठिकाना, तेरे दरबार के आगे मैया कोई दूजा नहीं है सारा संसार तेरे आंचल में पले, तेरी मर्जी से ही चंद सूरज ढले। सारा संसार तेरे आंचल में पले, तेरी मर्जी से ही चंद सूरज ढले। लाख ठोकर हो रास्ते में वो रुकता नहीं किसी के सामने, ये सांच बात है। जिसको एक बार तूने अपने चरणों से लगाया वो झुकता नहीं किसी के सामने। जय माता दी। मुझको बेनूर लगती है दुनिया, मुझको बेनूर लगती है दुनिया, तेरे दीदार के आगे मैया कोई दूजा नहीं है ठिकाना, तेरे दरबार के आगे मैया Thank you.
तेरे रहमो करम से है ये कायनात माँ, कर दो बेटे पर रहमत की बरसात माँ। तेरे रहमो करम से है ये कायनात माँ, कर दो बेटे पर रहमत की बरसात माँ। करता हूँ फरियाद बार बार तुझसे कि बच्चे की मांग कभी पूरी नहीं होती, देना पड़ेगा आशीर्वाद मुझे माँ, क्योंकि माँ की ममता कभी अधूरी नहीं होती। बोल साचे दरबार की ना, वो बेटू विजय की भंवर से, ना वो बेटू विजय की भंवर से, कर दो मझधार के आगे मैया। तेरे दरबार के आगे मैया कोई कूटा नहीं है ठिकाना। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, हिला दिया भाई भोजपुरी इंडस्ट्री ने, पूरे इंडिया को हिला ही दिया, और हिलाए भी क्यों ना, इतनी टैलेंटेड इंडस्ट्री जो है। तो जी अब भजन के बारे में बात कर लेते हैं। भजन तो भाई साहब एक नंबर था, मतलब मेरे को इतना रिलैक्स फील हुआ ना यार, मैं सच्ची कसम खा के बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। आवाज़ इतनी प्यारी है यार, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इतना प्यारा लिरिक्स था, और एक एक बात ना जैसे दिल को छू रही थी कि तेरे दरबार से ऊपर कोई दरबार नहीं है, तेरी खूबसूरती के आगे कोई खूबसूरत नहीं है, तेरी हंसी के आगे कोई मुस्कुराता हुआ इतना खिलखिलाता चेहरा नहीं दिखता। यार मतलब बहुत बहुत प्यारी लिरिक्स थी, बहुत अच्छा लगा। विजय चौहान बहुत अच्छा गा रहे थे, आवाज़ उनकी बहुत अच्छी है, एक्ट्रेस के साथ उनका मैचिंग बहुत अच्छा हो रहा था, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे यार, मतलब एक नंबर था। अगर आप लोगों को भी ये गाना अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे बताएं कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। माता रानी का पंडाल बहुत खूबसूरत था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे गाने का और रिएक्शन लेके आऊँ तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी टेंशन में हो ना तो ये भजन चला के और आँख बंद करके लेटे, कसम से आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा। तो जिसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।